हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? प्यार भरा आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे यहाँ ये पुआ का त्यौहार है, हमारे यहाँ होता है। इसको पुआ का भी कह सकते हैं या बीसी भी कह सकते हैं, तो वही है, बच्चों का होता है। तो इस समय मैं आधी गुजिया बना ली हूँ, आधी अभी मैं बना रही हूँ। तो ये आ गई हूँ किचन में, किचन में फ्राई कर रही हूँ गुजिया, क्योंकि यहाँ किचन में जगह उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, सामान वगैरह रहता है। तो हमने सोचा चलो बाहर ही बना लेते हैं, बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी गुजिया तवे बन रही है। किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ नहीं होता। जैसे हमारी बड़ी ननद के यहाँ ये पुआ वगैरह त्यौहार जो है नहीं होता है, और सास मेरी जैसे करती थी मैं वैसे ही करती हूँ। साल भर में आता है, कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ नहीं याद रहती, लेकिन जो याद रहता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ। पुआ बन रहा है जो कि एक माता रानी का है, एक दाल बाल का है और एक हस्बैंड का है, दोनों मेरे बच्चे का है। तो पांच पुए हमको बनाने हैं। पहले तो मैंने बनाया है माता रानी का, जैसे कि मंदिर में हमको जो चढ़ाना है वो हमने बना के रख लिया है। ये देख रहे हैं, पहला पुआ जो है वो माता रानी का ही है। ये हमारी सब्जी, घुए की सब्जी, पूड़ी, पुए और उधर गुजिया। इस समय मैंने सारा खाना बना के रख लिया क्योंकि हमें पानी पीना नहीं था, पूजा करने के बाद ही पीना था। तो ये हुआ कि हम सभी खाना बना के अपना पूजा करने जाएँ। तो पूजा मैं घर ही में करती हूँ क्योंकि मंदिर नज़दीक कभी रहता कभी नहीं रहता, तो घर के ही मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और उधर जो हमारे यहाँ इधर सप्लाई लाइन पड़ रही है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि खुदाई चालू है। और ये फूल हमने ताजे तोड़े हैं क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है। गुड़हल का ये फूल मुझे बहुत पसंद, क्योंकि मैं वैभवलक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो ये फूल उनको पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर सुबह की पूजा में अगर ये फूल मिल रहा है तो मैं चढ़ा देती हूँ। ताज़े फूल वैसे भी बहुत कम ही मिल पाते हैं, आसपास रहते हैं तो मिल जाते हैं, अगर मार्केट से लाओ तो वो ताज़ा नहीं मिल पाता है। अब इस समय बज रहे हैं 8:30, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी, 3 बजे से जगी हूँ। और चेहरे का कलर आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिना पानी के मैं इतनी देर रह सकती, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैं सुबह टिफ़िन के लिए उठती हूँ, टिफ़िन बनाना रहता है, 4:30 या 5 बजे उठती हूँ, तो पहले मैं हाथ मुँह धुल के पानी ही पीती हूँ, उसके बाद अपना सारा काम करती हूँ। तो मुझे यही लग रहा था कि हम अच्छे से अपना पहले पूजा कर लें, पानी तो हम कभी भी पी सकते हैं। और बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल, उनका एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने उनको ब्रेड जैम वगैरह लेके भेज दिया, क्योंकि किचन हमको बिल्कुल साफ रखना था। पूजा वगैरह रहती है तो वैसे भी नींद नहीं आती, कि अच्छा लगता है पूजा वगैरह करने में। हमारा छोटा सा घर का मंदिर है, इसी में पूजा इसी में करती हूँ। बाहर मनसा देवी मंदिर चली गई और ये चंद्रपुर कोठी भी चली जाती हूँ कभी कभार, भोले बाबा के मंदिर में। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में करते हैं पूजा, वो लोग मंदिर जाते हैं, जैसे दुर्गा मंदिर हो गया, शीतला मंदिर, जो भी उनके पास नज़दीक मंदिर है कहीं जाते हैं। जिसको गाइस खाना है प्रसाद आ सकते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। अभी मैंने पूजा ही की है क्योंकि पहले मुझे भगवान जी को ही खिलाना था। पूजा हमारा लगभग लगभग कंप्लीट ही हो रहा है।
जो उसमें मंदिर में जगह नहीं थी तो इसका मैंने थाली पे रखे हैं, बाकी जो है माता रानी के रख चढ़ा दिए। इसमें क्या होता है गाइस कि एक बच्चे का 20 गुजिया और एक पुआ बनता है, और ऐसे जैसे हस्बैंड हो गए, दो बच्चे हो गए, उस हिसाब से उनको 20-20 करके बनानी थी। ये आ गई हूँ मैं तुलसी माता के पास, मुझे जल चढ़ाना है। गाइस मैं तुलसी माता में ये घी गुड़ जो होता है मैं नहीं खिलाती, क्योंकि चिड़िया जो है वो पत्ती भी ख़राब कर देती हैं। सिंदूर लगाती हूँ तभी उनकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो मैं बीच बीच में सिंदूर वगैरह लगाती हूँ। सुबह 8:30 बज रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है अभी भी, तो सुबह की ही धूप है। और सूर्य भगवान को हमने किया प्रणाम। Thank you.